सिंधा खोड़ आईबीए टेस्ट में टेटी का मार्कू हासिल कर उम्मीदवार की हार्ड एडियास्ट या भर्ती करने लाए दाखिल दरख्वास्त बुधनी थी है बुधनी के हवाले से वाकई अपडेट किया पाया अदालत तालीम खाते खां 14 फरवरी लिखित में जवाब तलब करे वरतो तालीम खाते पारा मोहलत तलब कई वही है सिंधा कोर्ट आईबीए टेस्ट में टेटी का मार्क्स हासिल कर उम्मीदवार के हार्ड एरियाज या भर्ती करने लाए दाखिल दरख्वास्त बुधनी थी है बिल्कुल नाज़रीन अदालत तालीम खाते का 14 फरवरी ते लिखित में जवाब तलब करे वरतो है तालीम खाते पारा मोहलत तलब कई वही है सिधा कोर्ट आईबीए टेस्ट में टेटी का मार्क्स हासिल कर उम्मीदवार की हार्ड एरियाज या भर्ती करने लाए दाखिल दरख्वास्त बुधनी थी है अवाखे अपडेट क्यों पाया सिंधा कोर्ट में आईपी टेस्ट में उम्मीदवार के हवाले से दरख्वास्त बुधनी थी अदालत तालीम खाते खां 14 फरवरी लिखित में जवाब तलब करे वरतो है तफसील मालूम कदासी लाइन मौजूद है केटी न्यूज रिपोर्टर आजम सोरानी जी आजम अपडेट कजो जी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में डिवीजन बेंच आईबीए टेस्ट में 33 का वधीक मार्कू हासिल करण के बुनियाद से हार्ड एरियाज वांगुर बिन उम्मीदवार के भी जो सो मुलाजमत दियण बाबत दाखिल कल दरख्वास्त अज सिंध हुकूमत पारा जवाब दाखिल न कराने सबब बुधनी 14 फरवरी तीन मुलतवी कर छी है अदालत स्कूल एजुकेशन खाते के सेक्रेटरी और बेन धुरन के इंदड़ बुधनी तीन लिखित में जवाब दाखिल कराने की हिदायत की है दरख्वास्त गुजार जिनमें वो तादाद है उन्होंने यो मौको है तो उन्होंने बिन उम्मीदवार से गुड जो है वो टेस्ट पास कई उन्होंने अक्सर दरख्वास्त गुजार की जो मार्कू हैं वे 39 पर उन बावजूद सिंध हुकूमत हार्ड एरियाज के नाले से 33 वालों के नौकरी दे रही है पर उन्होंने जन 39 क्यों 38 क्यों उन्होंने नजरअंदाज के पे वे पॉलिसी जो है या गैर कानूनी गहराई है इन दरख्वास्तारन तो हार्ड एरियाज वांगुर इन दरख्वास्तारन के जन जो मार्कू 39 का तो घटन पर हार्ड एरियाज का उनके मुलाजमत देने जो हुक्म दिनों वे जी आसम दुरानी तफसील बुधाने लाइ मेहरबानी अदालत तालीम खाते खां 14 फरवरी लिखित में जवाब तलब करे वरतो है।